ना घंटों दाल और चावल भिगोने का झंझट, ना पीसने का झंझट, आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके की इडली, जो झटपट से बनके तैयार हो जाती है। अगर हमारा जल्दी से खाने का मन हो तो हम इसको बहुत जल्दी बनाकर तैयार कर। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जाएंगे सेमई की इडली। तो उसके लिए हमने ये वाली सेमई ली हुई है। देखिएगा, जो हमारे पास ये मैदा वाली सेमई होती है ना, ये वो वाली सेमई है। इस तरीके की हमने जो सेमई मार्केट में आराम से मिल जाती है, तो देखिए ये वाली सेमई हमें ले लेनी है इडली बनाने के लिए। और इसको मैंने लिया है एक कटोरी। सारी चीज़ें जो भी हम लेंगे बराबर ही माप करके ले लेना है। उसी कटोरी के बराबर के माप में हमने यहाँ पे सूजी ली हुई है। सूजी आप कोई सी भी ले सकते हैं, मोटी पतली जैसी भी आपको लेनी है, आप किसी भी तरीके की सूजी इसमें ले सकते हैं। तो देखिए, हमने ये इस तरह की सूजी ली हुई है। जितना हमने सेमई लिया है उतना ही हमने सूजी ली हुई है। आती है तीसरी चीज़ की बारी, जो हमने यहाँ पे लिया दही। दही ये थोड़ा खट्टा भी होगा वो भी चलेगा, ये घर का दही है। तो आप जितनी सूजी लिए, उतनी सेमई लिए, उतना ही हमको दही ले लेना है। तो देखिएगा, इस तरीके से तीनों चीज़ें हमने बराबर मात्रा में ले ली हैं। बाउल लेंगे, उसमें हम जो हमने सेमई ली हुई थी वो डाल देंगे, साथ में डाल देंगे सूजी। एक चौथाई चम्मच से भी कम मैंने लिया है यहाँ बेकिंग सोडा, यानी कि मीठा सोडा लिया हुआ है, वो भी इस समय इसमें डाल देंगे। तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो सोडा हमने डाला हुआ है ना, इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो देखिए, तीनों चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। साथ ही में इसमें ऐड कर देंगे दही और आधा कटोरी पानी। पहली कटोरी से ही हमने आधा कटोरी पानी ले लिया है, वो भी इसमें ऐड कर देना है। इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक, जितना भी आप लेना चाहें उसके हिसाब से। तो देखिए, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इस तरीके से, ताकि ये अच्छे तरीके से मिल जाएं। और इस तरह से जब इडली बनाएंगे ना, तो बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार होंगे। तो बढ़िया तरीके से मिक्स करने के बाद अब क्या करेंगे, इसको हम रेस्ट देंगे 10 मिनट के लिए। और इसको बढ़िया से मिक्स कर देंगे और इसको ढककर रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद इसे हम फिर से चेक करेंगे। इसको साइड में रख देते हैं, इसकी चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। बनाने के लिए लिया मैंने यहाँ पे सूखा नारियल। मेरे पास में ताज़ा नारियल नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे सूखा नारियल लिया हुआ। सूखे नारियल को मैंने कुछ टाइम पहले पानी में डाल के रख दिया था। क्या होता ना कि हमारे पास में ताज़ा नारियल नहीं होता और हमें चटनी भी बनानी होती है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप जो सूखा नारियल तो हमेशा अपने घर में रहता ही है, तो आप सूखे नारियल को कुछ टाइम पहले से ऐसे ही पानी में डाल दीजिएगा। जिससे क्या होगा ना, ये अच्छी तरीके से फूल जाएगा। ये देखिए, ये फूल चुका है, एकदम सॉफ्ट भी हो चुका है। ये देखिए, अगर आप चाहो तो ये पीछे का छिलका इसका निकाल सकते हैं, और नहीं निकालना है तो आप इससे भी बराबर चटनी बना सकते हैं। अब अभी आप ये छिलका निकालेंगे ना, तो पूरे अच्छे तरीके से ये छिलका निकल जाएगा। तो मैंने इसको 10 मिनट पहले पानी में डाल रखा था। अगर आपको ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए तो आप 10 मिनट और पहले, यानी कि 20 मिनट पहले डाल कर रखिएगा। ठीक है, मिक्सी जार लेंगे, उसमें जो हमने जो नारियल फुला के रखे हुए थे ना, वो ऐड कर देंगे। अगर आपको ये पीसेस बड़े बड़े लग रहे हैं तो आप इनको और छोटा छोटा सा कर लीजिएगा। तो इस तरीके से इन्हें हम इसमें ऐड कर देंगे। हमें जाएगा यहाँ पर हरा धनिया, पुदीना के पत्ते लिए हुए हैं वो भी डाल देंगे हम इसमें, और साथ में डाल देंगे यहाँ पर 4-5 लहसुन की कलियाँ, एक अदरक का टुकड़ा, मिर्ची लिए उनको भी इसमें ऐड कर देंगे। एक चम्मच भर के डाल देंगे यहाँ पे दही। दही डालने से क्या होगा, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। दही एकदम ताज़ा होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक चम्मच डाल दिया दही। आप 2 चम्मच का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने बड़ी वाली चम्मच ली हुई तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच डाला है। 1 चम्मच डाल देंगे हम यहाँ पर नींबू का रस, यहाँ पर 1/2 चम्मच नमक, 3 चम्मच के बराबर हमें पानी डाल देना और इसको बढ़िया से पीस लेना है। चटनी बनके तैयार हो चुकी है। आपको गाढ़ी पतली जैसी भी रखनी है ना, आप उसके हिसाब से रखिएगा। तो मैंने मीडियम, देखिए, हिसाब से बनाई हुई है, ना ज़्यादा गाढ़ी है ना पतली है, इस तरीके की। देखिएगा, 10 मिनट हो चुके हैं, हमारे जो हमने बना के रखा था ना सेमई का पेस्ट, वो अच्छी तरीके से फूल चुका है। अब क्या करेंगे, इसका बनाएंगे तड़का। अगर आपको गाढ़ा लग रहा है तो इसमें आप थोड़ा सा पानी अभी इस टाइम ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छी तरीके से फूल चुकी है सेमई, देखिएगा। अब इसका हम तड़का बनाएंगे। ये हल्का सा गाढ़ा लग रहा था तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच पानी और ऐड कर लिया है, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। एक ले लिया हमने 1 चम्मच यहाँ पे लिया चना दाल,
और एक चम्मच लिया जीरा, एक चम्मच लिया सरसों के दाने और 7 से 8 कड़ी पत्ती ली हैं और 2 मिर्ची को बढ़िया तरीके से यहाँ पे तोड़ लिया है। तो ये सारा हमें इसका तड़का लगा लेना है। 2 चम्मच तेल ले लिया, बढ़िया से गर्म हो चुका है। इसमें डाल देंगे जीरा और डाल देंगे यहाँ पे राई दाना, इनको बढ़िया से चटकने देंगे। साथ में डाल देंगे कड़ी पत्ती, लाल मिर्ची और यहाँ पे चने की दाल। तो ये तड़का बनके तैयार हो चुका है। बना के रखा हुआ था ना, ये तड़का इसमें डाल देंगे इस तरीके से। तड़का डालने के बाद में इसे कर देंगे मिक्स और लेंगे इडली के सांचे, उनमें क्या करेंगे तेल लगाएंगे और ये अपने पेस्ट को उसमें डाल देंगे। तो देखिए तड़का लगने के बाद तो ये देखिए कितना अच्छा ये पेस्ट बन के तैयार हुआ है। कोई नहीं कहेगा ये सेमई का बना हुआ है। और जब इसकी इडली सॉफ्ट सॉफ्ट सी बन के तैयार होके आएंगी ना, तो आप पक्का इसको हर बार बनाएंगे। जब भी आपको नाश्ते का मन करेगा ना, तो झटपट से बना के ये तैयार हो जाने वाला नाश्ता है। तो चलेगा, अब लेते हैं इडली के सांचे। अच्छा ले लिया है, इसमें हमने लगा लेना है थोड़ा थोड़ा सा तेल, ताकि ये तली में चिपकेंगी नहीं। और देखिएगा, और अपने पेस्ट को इसमें डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा सा तेल लगा लेना है, सरसों का तेल मत लगाइएगा, घी या रिफाइंड तेल का यूज़ कर लीजिएगा। लगाने के बाद में बढ़िया से अपने पेस्ट को इन सांचों में हम डाल देंगे इस तरीके से। ज़्यादा ऊपर तक नहीं भरना है, क्योंकि ये थोड़ी सी फूलेंगी भी, तो इस हिसाब से हमें रखना है। ये देखिएगा इस तरीके से कुकर को चढ़ा देते हैं गैस पे 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि हमारी इडली अच्छी तरीके से पक जाएंगे। और जब तक हम अपनी चटनी में लगा लेते हैं तड़का। एक बाउल में ट्रांसफर कर लिया है और तेल को करेंगे गरम। तेल को बढ़िया से गरम करने के बाद में इसमें डाल देंगे राई दाने और अच्छी दाल 1 चम्मच, 3 से 4 लाल मिर्ची और ये डाल देंगे कड़ी पत्ते, 4 से 5 कड़ी पत्ते डाल दिए। बढ़िया सा तड़का बनके उसका तैयार। उसको अच्छे से करेंगे मिक्स और अपनी चटनी में डाल देंगे। जब भी तड़का लगाएं ना, तेल को अच्छी तरीके से गरम कर लें। और जब हम गैस पे जलती हुई गैस पे लगाते हैं, तो ये सारी चीज़ें उचटती हैं। इसलिए जब हम इस तरीके से तेल को गरम करके तड़का लगाएंगे ना, तो बहुत ही आराम से लग जाता है और जलने का भी डर नहीं रहता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एकदम ऊपर की तरफ उछलती हैं। तो देखिए बढ़िया से ये सारी चीज़ें जल चुकी हैं। चटनी की कटोरी लेंगे, बहुत ही सावधानी के साथ में ये तड़का इस पर डाल देंगे ऐसे। इस तरीके से ये चटनी बनके तैयार हो चुकी है। सूखे नारियल की चटनी है, ये मैंने इस तरीके से बना के तैयार की हुई है। तो चलिएगा अपनी इडली भी चेक कर लेते हैं। ये 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, हमने गैस को बंद कर दिया है और अभी हमारा कुकर काफ़ी गर्म है, तो इसे बहुत सावधानी के साथ हमें इसे खोलना है। तो देखिएगा इस तरीके से हल्का सा ठंडा हो जाने के बाद इसे हम खोलेंगे। तो ये देखिएगा ठंडा हो चुका है हल्का सा, और इडली भी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। बीच में मैंने इनको एक बार चेक भी किया हुआ था। अब क्या करेंगे, इनको हल्का सा ठंडा होने देंगे और इनको हम फिर बाहर निकालेंगे। तो इडली बन के हो चुकी है तैयार, इनको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ठंडा हो जाने के बाद में ही हमें निकालेंगे। तो देखिए आप इसी चाकू की हेल्प से या चम्मच की हेल्प से इसको निकाल सकते हैं, बड़ी ही आराम से निकल जाती है ये देखिएगा। और तली में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे, क्योंकि हमने नीचे तेल लगाया हुआ था। तो देखिए निकल चुकी हैं। इस तरीके से बाकी इडलियाँ भी निकालेंगे हम। तो देखिए सारी इडलियों को एक एक करके हम ऐसे ही निकाल लेते हैं, और बहुत ही सॉफ्ट बन के आई हुई हैं और बहुत ही अच्छी भी लग रही हैं देखने में, और बहुत जल्दी बन के तैयार भी हो जाती हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने सभी इडली को बाहर निकाल लेना है। देखिए हमारा जो सांचा है ना, बिल्कुल भी नहीं गंदा हुआ, क्योंकि इसमें एक भी इडली चिपकी नहीं है। तो सारी इडलियों को हमने बाहर निकाल लिया। सो फ्रेंड देखिए हमारी इडली नाश्ता बनके तैयार हो चुका है, और ये देखने में जितना टेस्टी लग रहा है ना, खाने में भी उतना ही अच्छा लगेगा। और सो फ्रेंड उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। और देखिए मैं तोड़कर भी दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट बनी हुई है, और चटनी के साथ में इसका एंजॉय करिए।